दोस्तों, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M32 ओन करते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको M32 की 10 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करते हो तो आप अपने स्मार्टफोन को उसकी फुल कैपेबिलिटी तक यूज़ कर पाओगे। दोस्तों, आपने ये प्रॉब्लम कई बार फेस की होगी जब हमें किसी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना होता है और हमारा पूरा कंटेंट एक स्क्रीनशॉट के अंदर नहीं आ पाता। ऐसी कंडीशंस में फिर हम लोग मल्टीपल स्क्रीनशॉट लेते हैं, पर उन्हें स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पर एक्चुअली ये पॉसिबल है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है तो भी आप उसको एक ही स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर सकते हो। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आप नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाकर। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, आपको इस एरो पर क्लिक करना है और आप जितने लंबे पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उतनी बार आप इस एरो पर टैप करते जाइए। आप एरो पर जैसे ही टैप करोगे, आपका जो पेज है वो अपने आप स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, और अगर आप गैलरी में जाओगे तो आप देख सकते हो इतना लंबा स्क्रीनशॉट एक ही साथ कैप्चर हो चुका है, और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सैमसंग गैलेक्सी M32 एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल के साथ में आता है। इससे आपकी जो डिस्प्ले की स्मूथनेस है वो तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, पर जो बैटरी लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। अगर आप अपने डिवाइस पर सिर्फ मूवीज़ देखते हो या कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 90 हर्ट्ज़ को डिसेबल कर दीजिए। इससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो 20-30% इम्प्रूव हो जाएगी। इसको डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मोशन स्मूथनेस नाम से एक फीचर नज़र आएगा, आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, सबसे पहला है हाई और दूसरा है स्टैंडर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाई के ऊपर सेट होगा, पर आप इसको स्टैंडर्ड कर सकते हो। आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होगा जब तक आप दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड कंपेयर ना करो। अगर आप इसे 60 हर्ट्ज़ पर कर देते हो तो डिफरेंस तो बहुत मिनिमल है, पर जो बैटरी लाइफ है उसके अंदर आपको एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी आई साइड में कुछ प्रॉब्लम है और आपको अपने डिवाइस पर फॉन्ट पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपको टेक्स्ट ज़रूरत से ज़्यादा छोटा लगता है तो आप उसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, फिर आप लोगों को डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो और जो उसका साइज़ है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। तो आप अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग यहाँ से फॉन्ट के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। जो साइज़ आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप सेट कर सकते हो, और ओवरऑल आपके पूरे डिवाइस में आपको उसी साइज़ का फॉन्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। गाइस, अगर आप लोग म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक रखते हो तो आप M32 के अंदर अपनी एज के अकॉर्डिंग साउंड को अडेप्ट कर सकते हो। इससे जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर ये करने के लिए मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा जब म्यूज़िक आपकी मेन प्रायोरिटी है। इसको करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आना है, फिर आपको आना है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साउंड क्वालिटी एंड अफेक्ट्स, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अडेप्ट साउंड फीचर नज़र आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने साउंड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अंडर 30 इयर्स, 30-60 इयर्स और ओवर 60 इयर्स ओल्ड। तो इन तीनों में से आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अपनी एज के अकॉर्डिंग। और अगर आप साउंड को अडेप्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑफ भी करके रख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ये साउंड को काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट करता है और हो सकता है वो आपको पसंद आए। अगर आप अपने डिवाइस के नेविगेशन बटन से बोर हो चुके हो तो आप उनको स्वाइप जेस्चर से रिप्लेस कर सकते हो। ये करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और स्वाइप जेस्चर सैमसंग के फ़ोन में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है, फिर आपको डिस्प्ले सेक्शन को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको नेविगेशन बार ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, सबसे पहले है बटन्स, फिर है स्वाइप जेस्चर। आप यहाँ से स्वाइप जेस्चर को सिलेक्ट कर सकते हो
और उसके बाद बिल्कुल आपको आईफोन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आईफोन के अंदर इसी तरीके से स्वाइप जेस्चर काम करते हैं जो कि आपके डिवाइस में अब इनेबल हो चुके हैं। हालांकि ये नेविगेशन बटन जितने स्मूथ नहीं है, पर आपका काम चल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि स्क्रीनशॉट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार हम स्क्रीनशॉट इसलिए कैप्चर करते हैं ताकि हम उसको डायरेक्टली शेयर कर दें। शेयर करने के बाद वो गैलरी में पड़ा रहता है और काफ़ी स्पेस ले सकता है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसे इनेबल करने के बाद आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके लिए आपको एडवांस फीचर्स को ओपन करना है। इसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट्स नाम का टैब नज़र आएगा, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट, आप इसको इनेबल कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, आप जब भी स्क्रीनशॉट लेकर उसे डायरेक्टली शेयर कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली गैलरी से डिलीट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपकी काफ़ी स्टोरेज सेव करेगा। अगर आप एक पेरेंट हो और आप अपने डिवाइस को अपने बच्चे को देना चाहते हो, पर साथ ही में आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आपको ये डाउट है कि आपका जो बच्चा है वो कितनी देर तक स्मार्टफोन यूज़ करेगा और किस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, तो आप सारे डेटा को ट्रैक करके रख सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, फिर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डिवाइस को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया है और कौन कौन सी एप्लीकेशन पर कितना टाइम स्पेंड किया गया है। अगर आप इसको और एडवांस करना चाहते हो तो आप पेरेंटल कंट्रोल्स भी सेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सेट करना है कि आप एज अ पेरेंट आप इस डिवाइस को सेटअप कर रहे हो, तो आप पेरेंट को सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर आप इसे अपने चाइल्ड के लिए करना चाह रहे हो तो आप चाइल्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने डिवाइस में कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना चाहते हो तो M32 के अंदर ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन के डायलर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ से मेन्यू ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आप जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करोगे तो आपको रिकॉर्ड कॉल्स नाम का एक पैनल नज़र आ जाएगा, आप इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स नाम से एक फंक्शन होगा जिसको आप इनेबल कर दीजिए। यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। इसके बाद जो कॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना है, आप सारी कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उन कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो जिनका नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे ही उस कॉन्टैक्ट से आपको फ़ोन आएगा, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है और आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट्स बहुत पसंद हैं तो आपको एच पैनल नाम का फीचर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी कम टाइम में कर सकते हो। एच पैनल को इनेबल करने के लिए आपको डिस्प्ले सेक्शन को ओपन करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको एच पैनल नाम का एक फीचर नज़र आएगा, आप यहां से इसको डायरेक्टली इनेबल कर सकते हो। इसको इनेबल करने के बाद आपके डिवाइस के राइट हैंड साइड पर एक टॉगल आ जाएगा, और अगर आप इस पर स्वाइप करोगे तो आपका एच पैनल एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि आपको क्या क्या कंट्रोल करना है। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 की काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।